फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ किए जाने वाला हर काम जरूर सफल होता है। शुरुआत में एक बच्चे को शिक्षा घर से मिलती है, लेकिन वो अनौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा के लिए उसे स्कूल भेजा जाता है और फिर कॉलेज। हर माता पिता की कामना होती है कि उनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले और वो जग में खूब नाम कमाए, साथ ही साथ माता पिता का भी नाम जग में रोशन करे। और जब ये सभी कामनाएं सच हो जाती हैं तो दुनिया में उससे ज़्यादा खुशी का लम्हा और कोई नहीं होता। जहाँ छात्र छात्राएं अपने करियर की बुलंदियों को छूकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वहीं अपने बच्चों को आसमान छूता देख माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज ऐसा ही माहौल था उत्तर प्रदेश की जानी मानी प्राचीन यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, जहाँ आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह के मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षक गृह को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती उस प्रांगण की ये रही कि आज जहां सैकड़ों बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिली, उससे भी बड़ी खुशी ये थी कि उनके माता पिता इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सोमवार सुबह 11:30 बजे CCSU के प्रेक्षक गृह पहुंची। समारोह के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया। इन छात्रों में विशेष रहे वो जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 1290 छात्र छात्राओं को मेडल, डिग्री और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा गोस्वामी है। कैसा महसूस हो रहा है जितने अच्छे मौके पर गोल्ड मेडल मिला है, पेरेंट्स भी साथ है, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती, आई कांट एक्सप्रेस कि मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो आज 31वें दीक्षांत समारोह पर क्या एक प्रण आपने लिया है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो और देश के लिए कैसे आप योगदान दोगे? मैं एक फ्यूचर में एक रिनोन डाइटिशियन बनना चाहती हूँ, जो कि समाज के लिए और सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं होता। आप डाइट थेरेपी एक पेशेंट के लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में आहार कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप हर चीज़ क्योर कर सकते हो। अगर आप मेडिसिन खाते रहोगे और आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो उसका कोई रोल नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन लोगे और साथ साथ मेडिसिन भी सपोर्ट करती है, बट न्यूट्रिशन का एक बहुत खास रोल होता है पेशेंट के लिए। तो देश की और भी हमारी जो बहनें हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि हर लड़की के दिल में एक सपना होता है कि वो फ्यूचर में माँ बाप का नाम रोशन करेगी, कुछ बनेगी, लेकिन कई बार वो सपने अधूरे रह जाते हैं। तो क्या आप उन्हें एक मोटिवेशनल मैसेज आप उन्हें देना चाहते हो ताकि वो भी अपने सपनों को ऐसे ही जिएं जैसे आज आप जी रहे हैं? मैं उन सब लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी, सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि जियो, अपने सपने के लिए जियो, पढ़ो, मेहनत करो, साथ आपके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स बच्चों को साथ देंगे अगर आप मेहनत करोगे, उन्हें आपकी लगन दिखेगी, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मेरी लगन दिखी। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं रोका कि तुम ये स्ट्रीम ऑप्ट करो, तुम ये करो, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे साथ दिया, मेरा आज बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ और अपनी मेहनत की वजह से खड़ी हूँ। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज आपकी बेटी ने इतना फक्र वाला मोमेंट आपके सामने रख दिया है कि मैं मान सकती हूँ खुशी के आंसू जरूर आ रहे होंगे, क्या कहना चाहते? मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो ज़्यादातर बाहर रहता हूँ नौकरी पर, मेरी घरवाली का बहुत हाथ है। बिल्कुल, कहते हैं कि एक माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है बेटी को उस आगे ले जाने में, उसका सपना पूरा करने में। कैसा महसूस हो रहा है मैम आप? खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी ने नाम रोशन करा मेरा, मेरे पेरेंट्स का, मतलब मेरा स्ट्रगल आपने किया है उनके साथ, बेटी के साथ। हाँ, मैंने वही कहा कि भाई पढ़ाई करो, बस घर का काम वगैरह जैसे मैं करती हूँ सारा, मेरे एग्ज़ाम है तो उस पहले से तैयारी करो, खूब मेहनत से पढ़िए और हर काम वैसे चाहे जो भी जैसे मांगा, मैं अपने इसके बेड पे ही ला कर दिया, इसके स्टडी रूम में कि तुम पढ़ो बस। आज इसका फल है कि इतना खुश। हाँ, बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? अनुषा त्यागी। आज किस सब्जेक्ट के लिए आपको गोल्ड मेडल मिला? BBA। आई हैव कम्प्लीटेड BBA फ्रॉम IMS यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो इस खास मौके में आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये तो
बहुत नेचुरल फीलिंग है कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि जैसे आज आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, भविष्य में और के सपने जो अधूरे रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए आप कभी कोई योगदान देना चाहो? मैं इसके बाद आई एम डूइंग MBA, उसके बाद आई वॉन्ट टू गो फॉर द हायर एजुकेशन एंड आई हैव अ प्लान टू ओपन माई ओन स्कूल विच विल बी फॉर द पुअर पीपल, फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी देयर विद मी, दे आर सपोर्टिंग मी to the best level. I want them to support me in a similar way. कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? इतने अच्छे संस्कार हैं वो मुझे दिख रहे हैं और सीख इतनी प्यारी दी है आपने, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा और बात आती है देश की, क्योंकि आज हमारे साथ गवर्नर मौजूद थी तो उन्होंने भी ये कहा कि देश की हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, तो कई बार बेटियाँ नहीं आगे बढ़ पाती, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और इसमें सरकार को भी कुछ सहयोग करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कह रहे हैं, लेकिन बेटी गोल्ड मेडल ला रही हैं वो ला रही हैं, उनके लिए कहीं कोई स्कॉलरशिप या कहीं कोई वो नहीं है। जो एक पैसे वाला वो तो अफोर्ड कर लेता, लेकिन जो एक लो तबके से आ रहा है बच्चा अपनी काबिलियत पे, वो कैसे हायर शिक्षा, 3 लाख 5 लाख के कोर्स हैं वो किस तरीके से कराएगा? तो उसके बारे में भी सरकार सोचा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है लेकिन बगैर पैसे के बच्चा कैसे पढ़ेगा? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? बस ऐसे ही पढ़ें सब बेटियाँ, ऐसे ही आगे कामयाब हों, पढ़ लिख के। नेपाल में हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ और ये आज एक नहीं मैं देख पा रही हूँ कि दो दो गोल्ड हमारे सामने है, दो दो डिग्री, किस बताइए इसके बारे में? ये एक गोल्ड मेडल मेरे को उसके लिए मिला है चौधरी शिव दयाल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और दूसरा श्री प्यारे लाल शर्मा स्वतंत्र सेनानी। तो गोल्ड मेडल लेके कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको आज बेटी को दो दो गोल्ड मेडल के साथ देख? बहुत खुशी है, मैं देख सकती हूँ इमोशनल हो रहे हैं। बताइए कैसा, थोड़ा खुल के खुशी का आंसू है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या उस वक्त महसूस हो रहा था जब स्टेज पे उन्हें गोल्ड मेडल मिल रहा है? बहुत खुश हो रहे थे। सोचा था कभी कि गोल्ड मेडल लेके आएंगी? उम्मीद ऐसी थी, मैं थी पढ़ती थी बहुत ही। पहले क्लास से आती है? फर्स्ट क्लास से मेडल आके आती है। पहली बार नहीं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कैसा महसूस हो रहा है, इतना प्राउड मोमेंट आज आपकी और आपकी फैमिली के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, एंड सबसे बड़ी बात पेरेंट्स आए हैं उनको प्राउड फील हो रहा है, उनको तो रिस्पेक्ट मिल रही है यहाँ सबके सामने, तो वो सबसे बड़ी बात है। किस कोर्स से हो आप, किस चीज़ का आपको वो मिला? मास्टर्स ऑफ बॉटनी में हूँ, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मैम सृष्टि त्यागी, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको गोल्ड मेडल मिला है, डिग्री मिली है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं और मेहनत करूँ, और आज ये यूनिवर्सिटी वालों का भी है कि ये लोग ऐसे इतना इज्जत के साथ एक्चुअली यहाँ पे लेके बुलाते हैं, और सब पेरेंट्स आते हैं वरना, और आनंदीबेन पटेल हमारी गवर्नर जो हैं वो आई हैं, और उनके हाथ से प्राइज़ लेना, इट इज़ वन ऑफ द प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो अगर मैं बेटियों की बात करूं, कई बार होता है बेटियों के लिए माँ बाप इतना नहीं सोचते, या फिर कुछ घरों में बेटियां अपने सपनों को अच्छे से नहीं जी पाती, पिछड़ जाती हैं, तो क्या आप लड़की होने के नाते और भी लड़कियों को पढ़ाने में, उनको उनका फ्यूचर सफल बनाने में कोई योगदान देना चाहेंगी, कभी उनके लिए कुछ करना चाहेंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं अपने लेवल पर कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद बहुत लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और आज मैं यहाँ पर उन्हीं की वजह से हूँ। फ्यूचर में क्या बनना? मैम फ्यूचर में मेरे को नेट क्वालिफाई करके PhD करना है, वैसे मैं रिसर्चर बनना चाहती हूँ, एंड इफ सो अगर मतलब मैं सब्जेक्ट कभी चेंज करूँ इन फ्यूचर तो मैं IAS चाहती हूँ, जिससे कि मैं सर्व कर सकूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। कैसा महसूस हो रहा है मैम आज आपको? अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हो? अब क्या कहूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। बताइए सर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आज इस लायक हुआ है कि हमें जो है राज्यपाल के सम्मुख जो है उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारा बच्चा निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहे, और जो भी हम प्रयास कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए करें। और देश की और बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या फिर उन माँ बाप को क्या कहना चाहते हैं जो कई बार बेटियों पर रोक लगा देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तो उन माँ बाप को क्या सीख देना चाहते हैं कि क्यों ना रोका जाए बेटियों?
मैं यही कहना चाहूँगा इस देश के प्रत्येक माँ बाप के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहयोग हो सके अपने बच्चों के लिए करें, उसमें बेटा हो या बेटी, उसमें बिल्कुल अंतर महसूस ना करें और आगे बढ़ने की सीख दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ताकि उनके बच्चे निरंतर ऊंचाइयों को छुएं और भारत का नाम ऊंचा करें देश में, विदेश में भी भारत का नाम ऊंचा करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत करके की। आनंदीबेन ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए समाज का आईना उन सभी के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बात की जिनमें महिलाओं की सुधरती दशा, साथ ही कुरीतियों को खत्म किए जाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों पर भी नजर डाली गई। आनंदीबेन ने बताया कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि पर काबू पाया है। हालांकि उन्होंने माना कि सती प्रथा को जड़ से खत्म किया जा चुका है, लेकिन समाज में अभी भी बहन बेटियां दहेज प्रथा आदि से ग्रसित हैं। जहां एक तरफ कुछ माता पिता अपनी बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा देकर उन्हें लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें महिलाओं के सपनों और उनके अरमानों का गला घोटने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन यही वो चीज है जिस पर हमें काबू पाना है, ऐसी ही सीख दे गई आनंदीबेन पटेल। मकान दे दो, गाड़ी दे दो, पैसे दे दो, अरे इसीलिए इसकी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, हम पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं। ये सब बदलने का समय है और ये आपके हाथ में है, ये आप सबके हाथ में। दीक्षांत समारोह में तो दीक्षांत प्रवचन होते हैं, लेकिन मेरा दीक्षांत समारोह सोशल चेंज वाला है। बस सोशल चेंज करोगे, किसान है सम्मान करो, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है हम पता करें, और क्या तकलीफ है वो सोचकर उसको सहाय करो। राज्यपाल महोदया ने प्रांगण में मौजूद समस्त छात्र छात्राओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ये उपदेश दिया कि जिंदगी में जहां कहीं भी कुछ गलत होते देखो या किसी को अन्याय करते हुए देखो तो उसका विरोध करने में जरा भी हिचकना नहीं और हिम्मत के साथ सही का साथ देते हुए आगे बढ़ते जाना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिए गए इन उपदेशों को सुनकर प्रांगण में मौजूद बच्चा बच्चा जोश और स्फूर्ति से भर उठा और सभी ने जोरदार तालियां बजाकर अपनी खुशी को जाहिर किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो संदेश दिया है वो संदेश हमें हमारे जीवन में उतारना है। स्वच्छता का संदेश, शांति का संदेश, अस्पृश्यता निवारण का संदेश, नशाबंदी का संदेश, ऐसे कई काम ये महात्मा पुरुष ने किया है। तो इसमें से प्रेरणा लेकर हम हमारा जीवन कैसे स्वस्थ बनाए, कोई ऐसी गलत फहमियां हमारे जीवन में न आए, ऐसा प्रयास करने का ये समय होता है। आज ही जन्म जयंती मनाएंगे, पूरा देश स्वच्छता के रूप में आगे बढ़ा रहा है। और आप सबने ये भी देखा जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस गए और खास करके यूएन में जो भाषण हुआ और ये भाषण में जो मुद्दा उठाया। समारोह में एक कुलाधिपति रजत पदक, एक पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और दो चौधरी चरण सिंह स्मृति पुरस्कार मेडल दिए गए। 146 कुलपति मेडल, 50 प्रायोजित मेडल, 146 मेरिट सर्टिफिकेट्स, साल 2018 के 5 वाइस चांसलर मेडल, 1 प्रायोजित मेडल और 6 मेरिट सर्टिफिकेट दिए गए। इसके अलावा 1 डिलिट, 1 LLD, एजुकेशन में 16, कॉमर्स में 3, डिफेंस स्टडीज में 3, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2, अर्थशास्त्र में 6, भूगोल में 5, हिंदी में 10, इतिहास में 18, म्यूजिक में 1, राजनीति विज्ञान में 4, साइकोलॉजी में 3, सोशियोलॉजी में 5, उर्दू में 3, बॉटनी में 3, केमिस्ट्री में 2, मैथ में 5, जूलॉजी में 5, जेनेटिक्स प्लांट में 1,
एग्रोनॉमी में एक उपाधि दी गई। कार्यक्रम के दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं भी मौजूद रही, जिन्हें फल और पुस्तकें देकर राज्यपाल महोदया ने सम्मानित किया। साथ ही मेरठ के अधिकारियों समेत गोल्ड मेडल हासिल करने वाली छात्राओं और छात्रों से कन्याओं को पढ़ाने और उन्हें गोद लेकर उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, ताकि देश की किसी भी बेटी का भविष्य धूमिल न होने पाए। कुलपति महोदय ने सह कुलाधिपति आनंदी बेन से कार्यक्रम का समापन करने का अनुरोध किया, जिसके बाद समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया गया। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, ऐसी ही और भी बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने लौटूंगी एक बार फिर से, और जाते जाते इतना कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।